सादिक जी आप बोलिए, बट इफ यू कैन कंबाइन इट विद हिंदी दैट विल बी नाइस. 2019 हिंदी नहीं आंदी. हाँ जी हिंदी में बोलो. तो मैडम मैं एक गल कह सकता, भी इस बजट नूं पढ़ के ते सुन के दिल जिहा टुट गया. सब लोगों को तकलीफ है, वो नहीं समझ रहे आपकी बात. तो लीजिए जैसे मुझे समझ आने की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हाउस को प्रॉब्लम है. मैं सच्ची गल है, मैं पंजाबी आप करके बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पता अध्यक्ष जी समझ देने. मोदी जी के नारे ब्याहे भी कुवारे. मैडम जी मैं आपसे अच्छा सॉरी सर, मुझे फिर गेयर बदलना पड़ेगा है. अध्यक्ष जी मिस्टर रामलिंगम, मैं आपकी का प्लीज प्लीज अति धन्यवादी हाँ, प्लीज शुक्रगुजार हाँ कि आप जी ने मैनू बजट 2019 ते 20 ते बोलन दा मौका दिता. साढ़े को तीन मिनट ने होर नहीं है टाइम. जी जी ते मेरी खुशकिस्मती है कि आप जी ने बोलन दा मौका दिता क्योंकि मेरी बारी आप जी आए हो. मैं धन्यवाद करता हाँ अपने पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, धन्यवाद करता हाँ अपनी हाईकमांड श्री राहुल गांधी श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अते लोक सभा हलका फरीदकोट के उन्हां हजारां लखां लोगों का जिन्होंने मैनू सब तो वड्डी हिंदुस्तान की सब तो वड्डी पंचायत विच भेज के इस पवित्र सदन के बोलन का मौका दिता. मैडम 2019 मोहम्मद सादिक जी आपने पंजाबी का नोटिस नहीं दिया है और इस वजह से ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, तो आपको हिंदी में बोलना है. वो सब लोगों को तकलीफ है, वो नहीं समझ रहे आपकी बात. तो लीजिए जैसे मुझे समझ आने की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हाउस को प्रॉब्लम है. मैं सच्ची गल है, मैं पंजाबी आप करके बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पता अध्यक्ष जी समझ देने. मैं पहला पंजाबी लिख के दिता हुआ जी. मोहम्मद सादिक जी मैं पंजाबी लिख के दिता सी जी. He has to give a notice, Mr. Maran. He has to give a notice. He has to give a notice, Mr. Maran. Yes, I know that. That's it. Please sit down. मैं पंजाबी च लिख के दिता सी जी. This will not go on record, Sadiq ji. आप बोलिए, but if you can combine it with Hindi, that will be nice. बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद. ए बजट 2019 हिंदी नहीं आंदी. हाँ जी हिंदी में बोलो. तो मैडम मैं एक गल कह सकता, भी इस बजट नूं पढ़ के ते सुन के दिल जिहा टुट गया. अस्मात ही मुंह चो निकल गया कि मैंने तो चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों के सिवा और कुछ ना मिला. मैडम जी इस बजट के में दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए,
घट गिनती यानी कम गिनती के जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ सपने दिखाए गए हैं, वो सपने जो साकार होने की उम्मीद बहुत कम है। कहा जा सकता है, मैं आपको बात बताता हूं कि हर चौंकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अद्धी रात पहर दे तड़के, अखियां दे विच नींदर रड़के, अद्धी रात पहर दे तड़के, अखियां दे विच नींदर रड़के, लोही लोसी शेक नहीं सी, देख लिया मैं जुगनू फड़के। मैं आपको बता देता हूं कि ये बजट ऐसा है जैसे कोई चमकने वाली चीज जुगनू देखा आपने वो होता है, तो उसको लोग समझते हैं कि ये आग होगी, इसमें तपश होगी, सेक होगा, लेकिन जब वो पकड़ा तो बहुत शीतल था, बहुत ही ठंडा था। समझ गए आप? तो मैं देखिए बात, अब मुझे गियर बदलना पड़ता है और मैं दुखी हो रहा हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार 2014 में भी ऐसा ही हुआ था। कैसे? जैसे काला धन देश में आएगा, हर आदमी की जेब में 15 लाख रुपए पड़ेंगे, चाहे उसकी जेब फट जाए, जैसा भी। हाँ, और इसके अलावा अच्छे दिन आएंगे, इसके अलावा झांसा देना, एक साल में 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को देना, लारे लगाना, और मैं समझता हूँ मोदी जी के लारे ब्याहे भी कुवारे। आप समझते हैं? तो मैं विदेशों से पैसा वापस हिंदुस्तान में लेके आना, किसानों की आमदनी दुगनी करना, वो लोगों की वो सारी ये बातें अंधेरे में जैसे खो गई होती हैं ऐसा हुआ है। मैडम जी, मैं आपसे सॉरी सर, मुझे फिर गेयर बदलना पड़ेगा है। हाँ जी सर, सर सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, उनकी हम लोग सुनिए, सरकार ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम अपोजिशन की यानी सत्ता पक्ष की तरह हम सबको निंदा करते हैं, सबकी चुगली ही करते हैं। जैसे उधर से बोलने वाले लोग जब भी बोलते हैं वो ये कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया? ये सवाल आप अपनी दादी जी से पूछे, जो बोरी से कुर्सी से सोफे पर आ गई है। दादा जी से पूछिए जो हरिद्वार को जाने के लिए सब लोगों से गले मिलकर रोते थे कि वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आज वही दादा दादी अपनी कार में हरिद्वार नहाके वापस आ जाते हैं शाम को। ये सड़कें आपने नहीं बनाई, बीजेपी ने नहीं बनाई, ये डैम बड़े बड़े ये बीजेपी ने, 5 साल में ऐसा नहीं हुआ है। आप लोग बोलते हुए कुछ थोड़ा ख्याल कीजिए, अपनी जो आपकी है उपलब्धि है वो बताइए, दूसरों की चिंता करना ये आपने अपना फर्ज मान लिया है, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी आपसे विनती है। मैं बहुत क्योंकि काम देखिए, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, जो लोग दूसरे को छोटा गिर जानते और आप बड़ा बनते हैं, जो लोग दूसरे को झूठा कह के आप सच्चे बनते हैं, मैं उनसे ये बेनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सोच के बोलिए और समझ के बोलिए, वरना सुबी कवि हैं अभी, फिर आदमी आराम से आपकी कविता सुनेंगे, आज इतना ही काफी है। हाँ जी,
मैं लास्ट बोल देता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों से कि सोच और समझ के बोलिए, वरना क्या होगा, न समझोगे तो मिट जाओगे, अरे बीजेपी वालों तुम्हारा नामो निशान तक ना होगा। इस श्री जय हिंद।